लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आते ही रहते हैं, हमें इनको इग्नोर करके आगे चलते रहना है। जैसा कि इस 100 रुपीज के नोट ने मुझे इस नए कंटेंट का आइडिया दे दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे कब से आप यहाँ पे लगा रहे दुकान? हैं? अरे आपका 30 साल से तो हम ही बैठे हैं। 30 साल से आप बैठे हैं, तो पिताजी लगा देते हैं। काफ़ी पुरानी दुकान है। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 7 से 11। 7 से 11 बजे तक यहाँ पे रास्ते में ये यहाँ पे जलेबी का दुकान इनकी लगती है। बहुत ही करारी जलेबी इनकी लगती है। काफ़ी दूर दूर से लोग खाने के आते हैं, तो आज शुरुआत करते हैं यहाँ पे दही जलेबी से और खा के देखते हैं। बहुत ही करारी क्रिस्पी जलेबी है। वैसे आपको दही जलेबी हर गली हर चौराहे पे अलग अलग हलवाई दुकान मिल जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ की दही जलेबी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी क्रिस्पी कुरकुरी बनाते हैं और रास्ते में इनकी दुकान लगती है, क्योंकि तो यहाँ पे सारे शॉप से अगर शॉप खुल जाएंगे 11 बजे तो ये दुकान उठा लेते हैं यहाँ से। अभी जो भैया बैठे हुए हैं ये 30 साल से बैठे, इनके पिताजी इनके दुकान चलाते थे, तो काफ़ी पुरानी दुकान है। तो सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ दही जलेबी सुबह सुबह मज़ा आ गया खा के। तो गाइस सुबह सुबह दही जलेबी खा लिया है और ये लोकेशन है आपकी जॉनसनगंज और चौक के बीच में, इनकी दुकान लगती है रास्ते में। टाइमिंग सुबह की है और दही जलेबी खा लिया है। अब 100 रुपये को मल्टीपल जगह खर्च करना है और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में घूमेंगे और घूम घूम के 100 रुपये को खर्च करेंगे कई जगह पे। देखते हैं इस महंगाई के दौर में 100 रुपये में क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं, यही एक चैलेंज है। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दो दो चार चार आइटम लिख के बता दीजिए कि 100 रुपये में और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं 10-20 रुपये के बजट में, तो जिससे कि वो भी आइडिया लग जाए। और नेक्स्ट ब्लॉग जब भी इस तरह का चैलेंज ब्लॉग बनाएंगे तो आपके आइटम को भी टेस्ट करते चलेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। गाइस नाश्ते की तलाश में मेडिकल चौराहे के पीछे आ चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये दरभंगा कॉलोनी चौराहा है और आगे सीधे बालसन चली जाती रोड, उधर टैगोर टाउन चली जाती है, जो है टैगोर टाउन की तरफ जाती है। तो यहाँ पे कुछ पराठे के कार्ट लगे हुए हैं। उन पराठे के कार्ट में जो है आलू का पराठा ट्राई करने के बारे में पूछ रहा हूँ। तो और चलिए देखते हैं, पराठा ट्राई करते हैं, देखते हैं और पराठे के साथ साथ क्या क्या आइटम यहाँ पे मिलता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो सोचा कि एक बार क्यों ना यहाँ पे पराठा ट्राई किया जाए। तो काफ़ी लोग यहाँ पे पराठा वगैरह खाते रहते हैं, तो देखते हैं भाई यहाँ पराठे का क्या सीन है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे राधे पराठे कॉर्नर, और यहाँ पे जो है आलू का पराठा 40 रुपये, तो दो पीस है पनीर का पराठा 60 रुपये, प्याज का पराठा 50 रुपये। भैया सभी तरह के पराठे मिल जाएंगे, आलू मिलेगा,
पनीर मिलेगा, सब्जी मिलेगा, प्याज मिलेगा, आलू प्याज मिलेगा, मिक्स पराठा मिलेगा, चावल कभी मिलेगा, चावल सब्जी मिलेगा। काफ़ी कुछ है, दो पराठे बंद है अभी, ठंडी में दो पराठे बंद है। तो चलिए भैया, बहुत सारे पराठे यहाँ पे हैं, पराठा ट्राई करते हैं। तो भैया आलू का पराठा लगा दीजिए ना। एक बार गैस गर्मा गर्म पराठे जो हैं लग चुके हैं। तो एक पराठा है और चटनी है, सब्जी है, रायता है, प्याज है और अचार भी है। तो ट्राई करते हैं, 40 रुपये के दो पीस, अचार भी आ गए। तो जैसे कि देख पाए खा के देखते हैं, गर्मा गर्म पराठा आलू का नाश्ते में क्या बात है। स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है और वाकई में टेस्टी है, वर्थ इट है। यहाँ पे 40 रुपये के दो पराठे। साफ सफाई भी काफ़ी ठीक लग रही है, उस तरह से डिस्पोजल प्लेट में दिया गया है। मेडिकल मेडिकल चौराहे पास हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट है। सब्जी जो है सोयाबीन की। गाइस आलू का पराठे खा के जो है पेट भर गए दो पराठे से, और पराठा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे घर पे बनते वैसे ही पराठा था, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि बाहर खा रहे हैं। और साफ़ सफाई भी काफ़ी बढ़िया थी वहाँ पे, ठेले पे ज़रूर था लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। और अनलिमिटेड सब्ज़ी दे रहे थे, रायता दे रहे थे, ठीक है जितनी बार मांगी उतनी बार आपको मिल जाएगा, और चटनी अचार सभी कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। और अगर आप इधर आते हैं मेडिकल चौराहे के पास, डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा पेट तो पूरा फुल हो चुका है, थोड़ा सा गैप लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। अभी भी मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, और अब जलेबी हो गई, पराठा हो गया, अब देखते हैं तीसरी चीज़ क्या खाने को मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन पर। गाइस शाम का समय हो और गर्मा गर्म समोसे के साथ चाय मिल जाए तो कहना ही क्या। तो चलिए ज़रा समोसा ट्राई करते हैं। मैं इस समय चल रहा हूँ शिवचरण लाल रोड पे, यहाँ पे एक जगह मैंने समोसा खाया तो बहुत ही बेहतरीन समोसा बनता है। तो चलते हैं समोसा ट्राई करते हैं चाय के साथ में। तो गाइस यहाँ पे समोसा मिल गया, जैसे कि देख पा रहे हाथ में, और ये है मधुमा स्वीट्स। यहाँ पे एक बार मैंने ट्राई किया था समोसा, तो काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी समोसा था। तो एक ही समोसा लिया क्योंकि दो हजम नहीं होगा, ठीक है। चाय यहाँ पे मिलती नहीं है, तो चाय के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। पहले समोसा ट्राई करते हैं तो बताते हैं कैसा टेस्ट है। काफ़ी टेस्टी समोसा है, बहुत ही बेहतरीन समोसा। जितने क्रिस्प होता है उतना ही अच्छा लगता है, और मीठी चटनी के साथ 6 रुपये का एक पीस है। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे अलग अलग रेट हैं समोसे के साइज़ के हिसाब से, कहीं पे 3 रुपये का पीस मिलता है, कहीं 6 रुपये का, कहीं 5 रुपये का। तो यहाँ पे एक दिन खाया तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट था, तो मैंने कहा चलो यहीं ट्राई करते हैं। चाय मिली नहीं, मज़ा आ जाती। चलिए फिर ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी जगह चलते हैं।
तो गैस प्रयागराज में जो है जगह जगह पर वेज कबाब पराठे और वेज बिरयानी का काफ़ी चलन हो गया है, और हर सड़क पे आपको ऐसे कार्ड देखने को मिल जाएंगे, ठेले पे आपको वेज कबाब पराठा और वेज बिरयानी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, एक वेज बिरयानी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, अगर आप मोती महल सिनेमा हॉल के पास में देखते हैं तो काफ़ी पुरानी दुकान है, वेज बिरयानी का ठेला लगता है यहाँ पर। तो चलिए एक वेज बिरयानी भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। वैसे मैं पहले खा चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहता है। तो चलिए एक बार वेज बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं। भैया एक वेज बिरयानी, एक सॉरी एक वेज पराठा लगा दिए, एक प्लेट, एक प्लेट, एक पीस चाहिए। क्या प्राइस है? 15 रुपये। काफ़ी समय से आपको चले ही आ रहा है। तो देखिए गाइस, ये जो है कबाब पराठा ले लिया मैंने, और इसको ट्राई करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ में आपके साथ, यहाँ पे चटनी मिली है, प्याज है, एक कबाब है और एक पराठा है। एक ही लिया, ज़्यादा खा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे आप चाहें तो उसको रोल भी करवा सकते हैं, यानी कि कबाब और पराठे का एक रोल का नाम बना के आपको लपेट के कागज में दे देंगे, वो भी कर सकते हैं, प्लेट में भी लगवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, बहुत अच्छा लगता है, खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगी। मतलब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, उनके लिए नॉनवेज जैसा फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्वाद है, काफ़ी टेस्टी लगता है, और ये काफ़ी पुरानी दुकान है, काफ़ी भीड़ भी लगती है, सुबह से ही लगाते हैं, रात तक उनकी दुकान लगी रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पे आके वेज बिरयानी वेज कबाब पराठा खाते रहते हैं। और मात्र 15 रुपए का है एक कबाब एक पराठा। चलिए ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं। वेज वेज कबाब पराठा खा लिया है, उसके बाद रास्ते में भी यहाँ पे एक स्टॉल मिला जो कि मोमोज स्प्रिंग रोल बेचते हैं, और मतलब यहाँ से पहाड़ी खाई है यहाँ पर। तो कहाँ से आप, क्या लोकल इलाहाबाद के कि बाहर? नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आके यहीं रह रहे हैं, ये बिज़नेस यहीं पे स्टार्ट किया। कब से लगा रहे हैं अभी? 5 साल। भैया 5 साल से नेपाल से आए हैं, 5 साल से यहाँ पे लगा के यहाँ पे मोमोज और स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। 20 रुपये का एक स्प्रिंग रोल है, बाकी हाफ प्लेट मोमोज जो है वो 20 रुपये का। चलिए मोमोज एक बार खा के देखते हैं कैसा लगता है। चलिए भैया एक मोमोज लगा दीजिए, हाफ वेज वाला। वेज रहता है और कौन सा रहता है? पनीर सोया वेज वाले लगा दीजिए। ये देखिए गर्मा गर्म मोमोज है, और साइज़ बहुत ही छोटे छोटे बॉल हैं। 20 रुपये का हाफ प्लेट, 20 रुपये का हाफ प्लेट है। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये जो है बहुत ही छोटे पीस है, टेस्ट तो अच्छा है। अब 6 पीस दिए हैं 20 रुपये में, तो ठीक ही है। भी स्पाइसी है, टेस्ट अच्छा ही आ रहा है। तो शाम को अच्छा ही नाश्ता हो गया।
100 रुपये जो है ख़त्म हो गए, चाय रह गई, काउंट नहीं कर पाया था। तो जब मोमोज ले रहा था उसके बाद देखा रहे जेब खाली हो चुकी है, तो चाय तो घर में चल के पीते हैं। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग रहा, 100 रुपये में 5 आइटम ट्राई करने को मिला। हालांकि कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, बस जस्ट निकल गया था रैंडमली, जो दिखा वो खा लिया। लेकिन थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजी बना के चलता, थोड़ा सा अगर प्लानिंग करके चलता, तो मुझे लगता है कि 7 या 8 आइटम तो हो सकते थे। क्या कहते हैं आप? अगर आपको लगता है कि 5 से ज़्यादा आइटम हो सकते हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, कुछ आइडिया दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती है। अगर नेक्स्ट ब्लॉग इस तरह का होता है, अगर आपको पसंद आता है, तो पहले से प्लानिंग रहेगी ना, तो काफ़ी आइटम ट्राई किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग में भी आप प्यार देंगे और आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग फिर से ट्राई करेंगे, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे किसी और ब्लॉग में फिर से मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।